हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ करने वाली हूँ DIY। और यहाँ पर बची कुची जो अंडे की क्रेट है इसके साथ हम कोई अच्छा सा DIY करेंगे और इससे काफ़ी सुंदर सी हम चीज़ बनाएंगे जो बिल्कुल वेस्ट है, उससे हम एक वेस्ट चीज़ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अंडे की क्रेट ले ली है और एक टब ले लिया है और जो एग की क्रेट हैं उनको अच्छे से तोड़ लेना है और उसके बाद इनको पानी में भिगो देना है आपको। तो इस तरीके से मैंने पानी में इसको भिगो दिया था। तो मैंने ये चीज़ जो है ना शाम के टाइम मैं कर रही थी और इस वजह से ना बस थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। अब उसके बाद धूप ख़त्म ही होने वाली थी। तो बस इस तरीके से आपको भिगो देना है और अच्छे से इसको गूंद लेना है। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से थोड़ा सा करना है ताकि ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए, बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाए। तो अब ये जो है ना काफ़ी बाइंड हो गया था तो मैं चली गई थी लेने फेविकोल। थोड़ा सा मैंने टाइम दिया था उसको फूलने के लिए, 15 से 20 मिनट मैं छोड़ दी थी। और उसके बाद जो है ना मैं फेविकोल लेकर आई हूँ और इसमें डालूँगी मैं फेविकोल। और मैंने अच्छे से फेविकोल को डाल दिया है उसमें और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला है ताकि वो अच्छे से कहीं भी पकड़ पाए, कुछ चिपक पाए, बहुत अच्छे से बिल्कुल चिपक पाए और एक अच्छा सा शेप ले पाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल, जो पानी पीते हैं ना उसी को मैंने लिया हुआ है, ऊपर वाले को पार्ट को। और मैं इसको इसी का शेप देना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि सिंपल सा, मतलब एक थोड़ा सा नेचुरल सा शेप आए। और उसके ऊपर मैंने एक पन्नी चढ़ा ली थी ताकि जो है ना उसका शेप बहुत अच्छे से आए और वो जब सूख जाए तब मैं उसको आसानी से निकाल सकूं, इसलिए मैंने इस पर पॉलीथीन चढ़ाई हुई थी। और इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा दूंगी मैं, बिल्कुल खूब अच्छे से आपको इसको पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। जैसे हम गमले वगैरह बनाते हैं ना, बस जस्ट लाइक वैसे ही हमें करना है और बहुत ही जो है ना आसान है इसको करना। और बस थोड़ा सा फेविकोल की कमी थी या पानी ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये बार बार गिर रहा था। और फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं करके रहूँगी और इसको मैं बनाऊँगी तो ज़रूर। थोड़ी मुश्किल आ रही थी, फिर मैं हटा रही थी, फिर मैंने पॉलीथीन हटाई, फिर मैंने पॉलीथीन हटा के इसको इसके ऊपर चढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने इस पर ब्रेड की पॉलीथीन चढ़ाई। तो वो काफ़ी हद तक जो है ना काम करी। और इसकी पॉलीथीन जो मैंने इससे पहले पन्नी चढ़ाई हुई थी वो पन्नी काफ़ी चिकनी थी जिसकी वजह से स्लिप हो जा रहा था सारा मटेरियल और इस पर काफ़ी अच्छे से ये चिपक रहा था। तो इस तरीके से मैं जो है ना इसको अच्छे से एक शेप दे दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था, मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था। अगर आप ये DIY कर रहे हो तो आप पानी कम डालना क्योंकि क्रेट जो है ना थोड़ी टाइम अगर आप दोगे ना तो वो अच्छे से फूल जाती है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर फेविकोल भी काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं आप मैं कितना निचोड़। तो जिन परेशानियों का मैंने सामना किया इस DIY को बनाने के लिए, सोचा तो था वैसा जैसा वैसा तो नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। किसी भी काम के लिए अगर आपको करना चाहते हो तो उसके लिए हार नहीं मानो। आप अगर हार नहीं मानोगे ना तो आपसे वो डेफिनेटली हो ही जाता है। और मैंने भी बिल्कुल वही किया, मैंने हार नहीं मानी। मैंने सारा पानी जो है ना अच्छे से इसका ड्रेन कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से इसको निकाल दिया था। और उसके बाद मैं फिर से लग गई थी इसको इस पर शेप देने के लिए। और काफ़ी कोशिश के बाद ना ये काफ़ी अच्छे से शेप में आ भी गया था। और जो है ना इसको फिर मैंने फाइनली शेप दे ही लिया था। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई थी मगर मैंने इसको शेप दे लिया था और ये बनने के बाद ना काफ़ी खूबसूरत सा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं सोच सोच के ना बनाना स्टार्ट कर रही थी और बार बार मैं कर रही थी और बार बार मैं इसमें ना फेविकोल डाल रही थी। मुझे लग रहा था कि फेविकोल कम है जिसकी वजह से ना ये चिपक नहीं रहा है, लेकिन फेविकोल उसी टाइम पर नहीं चिपकता है, आपको बस शेप देना होता है और वो शेप ही नहीं ले पा रहा था। जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और इतना आसान नहीं होता है, अगर आप कहीं देखते हो कि किसी ने बनाया है तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाते हैं। वो नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स के साथ ये बनाया है, बस उन्होंने कैसे बनाया है, बस वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो हमको भी लगता है ना कि हम बड़ा ही ईजी है, चलो बना लेते हैं, लेकिन आप उस काम को जब आप करने चलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ कितना ज़्यादा टफ़ था इसको करना, और देखने में बहुत ही ईजी लगता है। अगर जिस तरीके से आप दिखाओ बस ये होता है। और हम मैं आपको सच्चाई दिखा रही हूँ कि देखिए कितना मुझे प्रॉब्लम आई है, और उसके बाद मैंने ऊपर से इसको कितने अच्छे से जो है ना फेविकोल से बिल्कुल कवर कर दिया था, और बीच बीच में ना होल कर दिए हैं ताकि जो है ना मैं जो भी चीज़ बना रही हूँ वो अच्छे से शेप में आ जाए। तो 24 घंटे के बाद देखिए ये इस तरीके से सूख के हो गया था, कुछ इसका शेप ऐसा हो गया था, और काफ़ी हार्ड हो जाता है ये, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना उस तरीके से ये हो गया है, काफ़ी हार्ड। लेकिन अभी भी हम इसको तोड़ना चाहेंगे ना तो ये बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट सकता है, इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, और ये ब्रेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये टूटेगा नहीं। तो फिर इसको मैं ना यहाँ पर वाइट कलर से ऐसे स्पॉन्ज से ना कलर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक देना चाहती थी इस वजह से। तो ये हमारा जो है ना बहुत बढ़िया सा लैंप बनकर रेडी हो जाएगा। जब इसमें थोड़े से मैं शेड भी दे दूँगी कलर के, अपने हिसाब से हर कोई कलर करता है। मुझे वाइट और ब्लू का शेड देना था, तो बस उसी तरीके से मैं पहले वाइट अच्छे से कर रही थी, और उसके बाद मैंने हल्का हल्का सा ब्लू लेके स्पंज में ना बिल्कुल ऐसे बस टैप 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 कर दिया है, और कुछ ज़्यादा नहीं किया है। और जितने सारे होल थे ना उन सभी को खोल दिया है, और बहुत ही सुंदर सा इसका ना लुक आ रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा जब आप इसको अपने घर में डेकोरेशन में लगाओगे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मैंने इसमें लिया ब्लू एक्रेलिक कलर, और उसको थोड़ा थोड़ा टैप 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 कर दिया है, और जिससे कि ना बहुत अच्छा सा, मुझे तो ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं और भी करती चली जा रही थी। बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर एक बनकर आ रहा था, और बिल्कुल नेचुरल कलर बन के आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था मैंने कलर किया हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा कलर इसमें लगाना भी नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर किया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, आप लोग जब भी मेरे वीडियोस देखते हो तो आप मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो और मेरी वीडियो पर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो और आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। तो ये जो है मैंने बनाया है एक लैंप, और इसका फाइनल लुक मैं नहीं देना चाहती थी अभी, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में ना आपको ये मैं कहाँ लगा रही हूँ और क्यों मैंने बनाया है ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए जो है ना बस मैंने एक लैंप आपको बना के दिखा दिया है, और इस लैंप को मैं जला के और सब कुछ करके वो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगी, और इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर बस आपको कलर करके दिखाया है इसका फाइनल लुक। और ये बहुत ही सुंदर सा बनकर रेडी हो गया है, और मैं इसको आगे नेक्स्ट एक दो वीक में आपको इसकी पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से लगता है लैंप बनने के बाद। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।